हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द भारत टॉक्स पे। बात करें लखीमपुर हिंसा में, तो किस तरह से यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करें। निर्दोष लोग वहाँ पे मारे गए, ऐसे में यहाँ पे राकेश टिकैत है वो भी वहाँ पे पहुंच गया केवल राजनीतिक रोटियां सेकने। कहीं ना कहीं उसका निशाना है यहाँ पे योगी सरकार। मैं आपको बता दूं, खालिस्तानी आतंकी भिंडर वाले की वहाँ पे टी शर्ट पहने हुए काफी सारे सिख वहाँ पे दिखे। ऐसे में सब सवाल उठा रहे थे, मीडिया में तेजी से वहाँ पे फोटोज और वीडियो शेयर हो गया कि आखिर यहाँ पे किसान के नाम पे ये क्या हो रहा है। जो यहाँ पे देश विरोधी यहाँ पे नारे लगाते हैं, खालिस्तानी समर्थक है, उनके टी शर्ट पहनकर यहाँ पे कैसे यहाँ पे किसान घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पे राकेश टिकैत को बचाव तो करना ही था, तो उसने बचाव में क्या कहा कि भिंडर वाला यहाँ पे लोग संत मानते हैं। दरअसल राकेश टिकैत ने खुद के लिए बताया कि वो यहाँ पे भिंडर वाले को संत मानते हैं। उसका एक वीडियो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। वीडियो में दिखा रहे हैं तीन मार्गी आतंकवादी है, उपद्रवी है, खालिस्तान के किसी बच्चे की वो शर्ट है, ठीक है जी, वो चलो टी शर्ट बच्चे की एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट पे किसी का फोटो है, फोटो भिंडर वाले का, कुछ लोग उसको संत मानते हैं और सरकार की नजरों में उसको आतंकवादी मानते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे राकेश टिकैत जो भी खालिस्तानी समर्थक है उनका सीधा सीधा बचाव करा है। दरअसल यहाँ पे किसान आंदोलन के नाम पे यहाँ पे देश विरोधी गतिविधियां वो तेजी से हो रही है। यहाँ पे राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार यहाँ पे इसको आतंकी मानती है जबकि कुछ लोग यहाँ पे संत मानते हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे राकेश टिकैत ने इसका बचाव किया और अब ये तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। और राकेश टिकैत की सोची समझी जो साजिश है वो साफ साफ यहाँ पे सबको पता पड़ रही है कि आखिर राकेश टिकैत की क्या मानसिकता है। उसका किसान आंदोलन तो एक बहाना था, लेकिन असली जो मुद्दा है अब यहाँ पे योगी सरकार को गिराना है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप नीचे कमेंट करें। क्या राकेश टिकैत की इस तरह की हरकतें करने से यहाँ पे योगी सरकार दोबारा नहीं आएगी? जो भी आप सोचते हैं नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और जाने से पहले काम जरूर कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दे, पास में जो घंटी के निशान उसको जरूर दबा दे ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में तय, मिलते अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।